Hello students, welcome to my channel. I am Soni Chaudhary. Today I will teaching you accountancy chapter number 3, valuation of goodwill. Now this is a fifth method and this is capitalized super profit method. Okay friends, इससे पहले हमने चार method complete कर लिया. First of average method, second one weighted average method, थर्ड वन सुपर प्रॉफिट मेथड एंड फोर्थ वन सुपर कैपिटल मेथड एंड दिस इज लास्ट कैपिटलाइज्ड सुपर प्रॉफिट मेथड. दिस इज एन एग्जांपल फॉर दिस मेथड. डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ तनु एंड मनुज फर्म ऑन बेसिस ऑफ कैपिटलाइज्ड सुपर प्रॉफिट मेथड. कैपिटलाइज एम्प्लॉयड रुपीज 7,80,000, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 12%, लास्ट 5 ईयर्स प्रॉफिट. दिस इज ईयर्स 2012-13, 2 लैख, 13-14, 270, 14-15, 240, 15-16, 2,50,000, then 16-17, 2,30,000. दिस इज सम. Now we are going to solve this sum. This is statement for this sum. Statement showing computation of goodwill. First column for serial number, second one for particulars and third one is amount. Same जैसे हमने last आगे four methods में किए हैं, same वैसा ही format है. और यहाँ पे changes भी आपको ज़्यादा नहीं दिखेगा, only changes in fourth step and fifth step. First step is capital employed. Sum में आपको दिया हुआ है 7,80,000. Second, expected rate of return, ये भी sum में दिया हुआ है 12%. Then third step, expected profit. Expected profit equal to capital employed, जो आपको दिया हुआ है यहाँ, into expected rate of return 12%. So 7,80,000 into 12% and answer will 93,600. Now fourth step, average profit. Last video में भी मैंने आपसे ये clear किया था कि जिस समय profit continue increase हो रहा है, okay? तो हम वहाँ कौन सा method use करेंगे? Weighted average profit method, okay? यहाँ पे हम तब average profit find out नहीं करेंगे, but weighted average profit find out करेंगे. बट यहाँ पे देखो प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, बट यहाँ पे डिक्रीज हो गया, देन अगेन डिक्रीज हुआ है. ओके, कंटिन्यू इंक्रीज नहीं हो रहा. सपोज यहाँ पे कंटिन्यू इंक्रीज होता है तो हम क्या यूज करते? वेटेड एवरेज प्रॉफिट. इसलिए इसका फोर्थ स्टेप अब एवरेज प्रॉफिट. दिस इज ईयर्स एंड दिस इज प्रॉफिट. नाउ फॉर्मूला फॉर दिस, टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 11,90,000. इसका टोटल किया है 11,90,000 एंड फॉर्मूला फॉर दिस एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स. टोटल प्रॉफिट 11,90,000 एंड हाउ मेनी इयर्स? 1, 2, 3, 4, 5, सो डिवाइडेड बाय 5, आंसर इज 2,38,000. ओके, दिस इज एवरेज प्रॉफिट. नाउ फिफ्थ स्टेप, सुपर प्रॉफिट. हमें कैपिटल सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, इसलिए सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट हमने अभी फाइंड आउट किया 2,38,000 एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमने जो थर्ड स्टेप में जो फाइंड आउट किया था 93,600. देयरफॉर माइनस 93,600 एंड आंसर इज 1,44,000. ओके, अमाउंट कॉलम में 1,44,000. नाउ लास्ट गुडविल. गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न. सुपर प्रॉफिट कितना फाइंड आउट किया? 1,44,000 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न, सम में गिवन है 12%, सो डिवाइडेड बाय 12%. सपोज यहाँ आप परसेंट का सिंबल नहीं करते तो यहाँ पे आपको इनटू 100 लिखना है. परसेंटेज कर रहे हो तो फिर 100 लिखना जरूरी नहीं है. ओके, सो 1,44,000 डिवाइडेड बाय 12%, सो आंसर इज 12,00,000
3333. ये पॉइंट में आंसर आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट हमें लिखना नहीं है. सो अवर गुडविल इज 12,03,033 रुपीज. ओके फ्रेंड्स, लास्ट जितने भी हमने मेथड किए उसमें कहीं भी चेंजेस नहीं आ रहा है. ये थ्री स्टेप्स सेम है, सिमिलर है, यहाँ तक आपको कोई चेंजेस नहीं करना है. बट सारे चेंजेस यहाँ फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स में आ रहे हैं. फोर्थ में भी सारे सम में आपको देखना है कि अगर प्रॉफिट कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है देन वेटेड एवरेज, और नहीं इंक्रीज हो रहा है तो एवरेज प्रॉफिट मेथड. ओके, देन यहाँ पे आपको जो मेथड फाइंड आउट करना है उस मेथड के अकॉर्डिंग फिफ्थ स्टेप करना है. सपोज आपको यहाँ पे वेटेड एवरेज करना है तो उसके अकॉर्डिंग वेटेड एवरेज, सुपर प्रॉफिट करना है तो सुपर प्रॉफिट, और कैपिटल सुपर प्रॉफिट करना है तो वो, ठीक है, और लास्ट गुडविल एज इट इज. ओके फ्रेंड्स, ये सारे सम इजी है, सारे मेथड इजी है, सिर्फ आपको फोर्थ और फिफ्थ स्टेप में चेंजेस करना है. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, एकदम इजी सम है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. इफ यू फाउंड इट हेल्पफुल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. ओके बाय, हैव अ नाइस डे.